सो दोस्तों, वोटिंग सीज़न इज़ ऑन और लोग अपने अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं, और आपके रिव्यू किस पार्टी के लिए क्या हैं कमेंट में ज़रूर ज़रा बताइएगा, और हम भी चलते हैं ज़रा वोट डालने के लिए। सो आज है इलेक्शन डे और मैं जा रहा हूँ वोट करने के लिए। सो सिंस मेरा वोट यूपी से होता है, सो वंस आई एम थ्रू उस मोड से निकल जाऊँगा मैं, तो रेगुलर वीडियोज़ आएंगी और मुझे भी बड़ा दुख सा होता है। तो भाई हमारी पर्ची आ गई है वोट डालने वाली, तो भाई सारे वोट कास्ट करके आ गए हैं, ये हमारी और ये माता का है। फाइनली भाई वोट हो गया कास्ट, सो फाइनली सो बेसिकली बहुत चेकिंग हो रही है बिकॉज इलेक्शन टाइम चल रहा है। सो आज है इलेक्शन डे और मैं जा रहा हूँ वोट करने के लिए। सो सिंस मेरा वोट यूपी से होता है, सो मुझे जाना पड़ेगा अपने होम टाउन, और होम टाउन जा रहा हूँ तो मम्मी को भी लेके जाऊँगा, सिंस उनका भी वोट कास्ट वहीं से ही होता है, और मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है, बड़ा भाई भी आया हुआ है, तो उनको भी पिक करके होम टाउन जाएंगे। बिल्कुल जिसको जिताना सो जिताएंगे, मतलब वो जीत तो रहा ही है बंदा, लेकिन बनता है अपना वोट कास्ट करना। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग परफेक्टली फाइन। बहुत दिनों बाद यार, मतलब ना व्लॉग्स बन नहीं रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि ब्लॉग बनाने में कुछ इशू आ रहा है, मुझे ना कुछ डिफरेंट करना है, उस कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये है, चैनल चल रहा है, मेमोरीज बन रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं, अभी ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि थोड़ा सा एटलीस्ट प्रोग्रेस अगर हो, मतलब डेली के एक एक दो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो ना उससे ज़्यादा बेसिकली मोटिवेशन लेवल बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। थोड़ा सा डाउन चल रहा है मेरा मामला इस चीज़ को लेके, सो बेसिकली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हो ही जाती है, मतलब इतनी मेहनत करो उसके बाद भी। सो वंस आई एम थ्रू उस मोड से निकल जाऊँगा मैं, तो रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, और मुझे भी बड़ा दुख सा होता है कि इतना मेहनत किया, यार चलते हैं करते हैं। रील्स पे बना रहा हूँ बट रील्स बनाना मेरा एंड मोटिव नहीं है, मेरा एंड मोटिव है मेरा ट्रैवल वीडियोस। सो मेरी कुछ वीडियोस पेंडिंग थी बनारस की, तो मैं उसको फुल फ्लेजेड वापस से तैयार कर रहा हूँ, एंड मेरी गोवा की पूरा ट्रिप है, 7-8 वीडियोज़ उसकी हैं, तो वो भी आनी बाकी हैं। ये अपना द्वारका एक्सप्रेस वे, शाबाश, मतलब बहुत बहुत कम लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट दिखाने के लिए। और ये रद्वार का एक्सप्रेस वे, सो इसने मेरा डिस्टेंस लगभग आधा घंटा कम कर दिया है नोएडा के लिए, तो ज़रा फटाफट पहले चलें और मम्मी को पिक करते हैं। तो पता नहीं क्या दिक्कत नज़र आ रही है इसमें, ऑलमोस्ट साधारण चल रही है, लेकिन ये रेंज में कुछ गड़बड़ दिखा रही है बार बार। पेट्रोल पूरा आ रहा है लेकिन ना रेंज गलत दिखा रहा है गाड़ी, हाफ टैंक में भी लेकिन 100 का रेंज दिखा रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, मीटर की शायद पानी की चीज़ की, लेकिन भाई साहब कुछ ना कुछ आते रहता है। ये रोड क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, इसके मीटर में जो रेंज है ना बिल्कुल अप्रोप्रिएट दिखा नहीं रहा, क्योंकि मैंने फुल टैंक कराया 464 की रेंज दिखा रहा है, और कल मैंने 1000 का पेट्रोल डलवाया था केवल 100 की रेंज दिखा रहा था, तो विच इज़ नॉट राइट बिकॉज 15-16 की माइलेज दे ही रही है। तो एनीच पे आज हाईवे पे चलेंगे तो उसकी रेंज शायद इम्प्रूव हो जाए। 15.4 की एवरेज है इसकी, 464 का रेंज दिखा रहा है, चलो लेट्स सी कितना होगा, फुल टैंक हो गया वैसे भी। तो फाइनली रीच नोएडा, अब मम्मी और मेरा छोटा भाई यहीं से आ रहे हैं, जरा उनको पहले पिक करें और फिर निकलें अपने काम की तरफ। डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग है, मेरे लिए जब मैं अपने गांव जाता था मुझे लगते थे लगभग 3.5 घंटे, और जो अब मैं केवल 45 मिनट में पहुंच जाता हूं बिकॉज ऑफ दीज हाईवेज। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये बन रहा है देहरादून एक्सप्रेसवे, जो देहरादून आपको केवल 2 घंटे में पहुंचा देगा, तो मेरे लिए ये है डेवलपमेंट। चेंज लग रही है, मैं तो हॉस्टल लगा रही हूँ, काफ़ी ऐसे मेरे को।
सारी छुट्टी आज ना, तो पूरे ना कोई गाड़ी ना कुछ। तो भाई हमारी पर्ची आ गई है वोट डालने वाली, और जरा फटाफट वोट डाल के आते हैं। तो तीनों की है मेरी, रवि की और मम्मी की। रजनी की नोएडा में ही थी, उसने वोट डाल के आ गई सुबह को, तो अभी जरा फटाफट अपन वोट डाल के आते हैं। ये भी हमारे गांव की गली, जरा फटाफट वोट डाल के आए, फिर मिलते हैं आपसे। शिमरा है मेरा भी सबका नाम है, डालो शिमरा, डालो शिमरा। मैंने तो ठीक कर दिया था अपना इस बार ऑनलाइन बैठ के, तेरा सही है। शर्मा आया भाई यहाँ पे, और ये वोट दिया भाई सरदार का पूरे, तो वोट देने के लिए पुलिस वाले चले गए, हो गया काम बार छोड़ दो। पुलिस वाले चले गए यहाँ से, लाओ बोले जिसको डालना उसको डाल। सर फटाफट वोट डाल के आते हैं, और ये दो वोट ना डालने वाले अंदर बैठे हैं। सो भाई सारे वोट कास्ट करके आ गए हैं, ये हमारी और ये माता का है। माता दिखाओ, रजनी दिखाओ, बस एक ने डाला नहीं इसने। मामा दिखाना, जब जी लगा वोट हो गया कास्ट। सो फाइनली अपने राइट का यूज़ किया है, बाकी ये रहा हमारा घर। सेकंड टाइम जा रहा हूँ वोट डलवाने के लिए, क्योंकि ताई जी आ गई हैं और ताई जी को वोट डालना है। उनको चलने काफ़ी दिक्कत होती है, तो बाइक पे जा रही थी। मैंने कहा भाई गाड़ी है तो क्यों बाइक करनी है आपको, तो ज़रा फटाफट ताई जी का वोट डलवा के आए, बट रहेगा नहीं है। स्लो मोशन में आ रही है वहाँ से। सो भाई यहाँ पे से यहाँ हो रहा है वोटिंग, तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं अंदर। सो भाई रिकॉर्ड कर नहीं पाए, बट वोट अपना हो गया पूरा। और मैं ताई जी को लेके आया था, तो व्हील चेयर की अरेंजमेंट है यहाँ पे, और अंदर काफ़ी अच्छा, मतलब कूलर वूलर लगा रखे हैं, अगर किसी को बैठना है टाइम लग रहा है वोट देने में, तो कूलर है, पानी है, सबकी सुविधा दी हुई है, तो गुड जॉब ऑन दैट। बाकी रंग तो हर जगह एक ही है। तो बस इसके बाद अपना लंच करके हम निकल पड़े अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ। मम्मी को छोड़ा नोएडा, और उसके बाद गया गुड़गांव। भाई लग गए मुझे 2.5 घंटे बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। एनी विच वेज आपने ज़रूर वोट कास्ट किया होगा आई होप। सो आई एम बैक, वाट लग गई पहुंचने में, क्योंकि 2.5 घंटा लग गया मुझे गांव से मिले बेसिकली यहाँ पहुंचने में, और आधा 1.25 घंटा फिर मैं घर रुक गया। तो यही था आज का पूरा दिन यार, और अब करेंगे अपना लंच। लंच में बर्गर, और ये बाहर के नहीं घर के ही हैं, मैंने इसमें सैंडविच पैड लगा दिया है और एक फ्रूटी। तो ज़रा बस ये लंच है, कल्पना है नहीं, कल्पना अपने घर गई है, बिकॉज मैंने बोला था कि आज था नहीं, रात को लेट आऊँगा तो फ़ायदा नहीं था। आई होप आप लोगों ने अपने जगह पे वोट कर दिया होगा जो भी एप्लीकेबल है, और अगर आप वोटर हो तो प्लीज़ डू वोट, जो भी आपकी पार्टी, जो भी आपका नेता हो, तो ज़रूर वोट करो, और सोच समझ के करना, आगे 5 साल की बात है। तो करते हैं इस वीडियो के यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।